हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अनमैरिड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर हम चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहीं मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा jansugam.jk.gov.in। इस तरह से वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे विजिट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे कर देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की हुई है और उसके रिगार्डिंग में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से वेलकम टू सर्विस प्लस पोर्टल आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहां पे सर्च करना होगा अनमैरिड। अनमैरिड सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ अनमैरिड विडो डिवोर्स सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार। तो इस सर्विस को डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इशू करता है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अनमैरिड डिवोर्स विडो सर्टिफिकेट। सिंपली आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना होगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी। नेक्स्ट आपको तहसील को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे फिल कर देना होगा। जेंडर आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैरिड स्टेटस क्या है, अनमैरिड विडो या डिवोर्स जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना होगा। मोबाइल नंबर फिल कर देना होगा। नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको करेक्ट फिल करनी है, क्योंकि यहीं पे आपको सारा अपडेट मिलता है। ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट आपको डिलीवर हो जाता है। वैसे आप यहाँ इस पोर्टल पे लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्किंग में वाला जो है वही फिल करें। नेक्स्ट आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा और ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली अटैच नेक्चर पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना होगा, जिसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे जो है अपलोड कर देना होगा, जिसमें आप वोटर कार्ड, बोथ साइड्स, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डोमिसाइल, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। सेम आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। एफिडेविट आपको एक बनवाना होगा। ये सिंपली आपको नियरेस्ट आपका जो भी कोर्ट है वहाँ से आप एफिडेविट बना सकते हैं। आपको सिंपली अनमैरिड या विडो जो भी है वो आपको उनको कहना होगा। इसका अगर आप फॉर्मेट चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आपको पेमेंट कर देनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन अनमैरिड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।